स्वागत है दोस्तों आप सभी को तेकीराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी रियलमी के फ़ोन पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग कैसे आप बना सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग करने के लिए आपको जाना है आपके रियलमी के डायलर पे, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका डायलर, नीचे में कॉल का ऑप्शन है, उसमें आपको टैप करना है और उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ ऊपर सेटिंग में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेरा जो भी टेप्स है आपको उसको फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें टैप कर देना है। तो कॉल रिकॉर्डिंग में टैप कर दी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो रिकॉर्ड, यहाँ पे अभी दोस्तों ऑटो रिकॉर्ड जो है इनेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कॉल को इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, तो सिंपली आपको इसे इनेबल कर देना है। तो इनेबल करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टोरेज लिमिट यहाँ पे आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग का लिमिट भी बना सकते हैं, 1000 आइटम्स, 2000 आइटम्स या फिर 3000 आइटम्स या फिर दोस्तों यहाँ पे आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप जो है उस जो भी कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड होता है आप उस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे चेक करने के लिए दोस्तों आप चेक कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिए। यदि आपको यहाँ पे दोस्तों कॉल रिकॉर्ड हुआ है तो यहाँ में आपको दिख जाएगा, मेरा यहाँ पे दोस्तों अभी तक एक भी कॉल रिकॉर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे ये पेज एम्प्टी है, ठीक है। तो दोस्तों आप यदि कॉल रिकॉर्डिंग को चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों सिंपली आप इसके ऊपर में टैप कीजिएगा और आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग लिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको इतना ही यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ में मैं आपको और एक सेटिंग बता देता हूँ। ये ऑफ़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिख जाएगा ऑटो रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ में दोस्तों क्या होता है, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपने सेलेक्टेड नंबर यहाँ पे चूज़ किया है, ठीक है। तो आपको इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट करना होगा जिसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड पे डालना चाहते हैं, ठीक है। जिसके कॉल आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप उसको सिर्फ यहाँ पे ऐड कीजिएगा और सिर्फ दोस्तों उसी पर्सन के लिए यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप सेलेक्टेड नंबर को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर दोस्तों जितने नंबर्स आपके फ़ोन पे सेव नहीं है, जितने न्यूज़ नंबर आपको आते हैं तो वो सब दोस्तों आप रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिंपली ये बटन इनेबल कर देना है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑल अननोन नंबर्स, तो सिंपली दोस्तों आपको ये सब सेटिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो सेटिंग है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही सेटिंग्स मिलते हैं रियलमी के फ़ोन के अंदर में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे, ठीक है। तो दोस्तों आप यदि कॉल रिकॉर्डिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी प्रोसेस पे यहाँ पे मेरा दिखाया हुआ जो प्रोसेस है आप उसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो कंप्लीट ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग हो जाएगा। तो मुझे मेरे दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।